गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया अविकारी हैं। क्या हैं? अविकारी। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ लिए थे और ये तीनों चारों ही क्या थे? विकारी शब्द थे। अब हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह है अविकारी शब्द। अब क्रिया जो है वह अविकारी के अंतर्गत आती हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं और इसके आधार क्या होते हैं, और फिर आधार को हमने यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। हम यहाँ देखते हैं क्रिया का जब साधारण अर्थ लेते हैं तो क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, यानी क्रिया का अर्थ है करना। अब क्रिया हमारे वाक्यों में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तब वह किस प्रकार से सहायता करती हैं, तो यहाँ हमने कहा है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इसका मतलब है क्रिया जो है वो वाक्य में जरूरी है। कोई भी वाक्य है वो क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है, वह अधूरा रहता है। अब देखिए किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी हमें किसके माध्यम से होती है? क्रियापद के माध्यम से होती हैं। किसके माध्यम से? क्रियापद के माध्यम से हमें कर्ता की जानकारी होती है, कर्म की जानकारी होती है और काल की जानकारी होती है। अब हम संस्कृत को हिंदी की जननी कहते हैं और संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए इस धातु में ना जोड़ते हैं तब हिंदी में क्रियापद बनते हैं। क्या करना पड़ता है? मूल जो धातु हैं उसमें ना जोड़ना पड़ता है और ना जोड़ते ही हिंदी में क्या बन जाएगा? क्रियापद बन जाता है। जैसे यहाँ हमने उदाहरण लिया है कि पड जो है मूल धातु हैं, इसमें हमने ना जोड़ा तो ये पढ़ना बन गया। उसी प्रकार से उठ मूल धातु हैं और ना जोड़ा तो ये उठना एक क्रिया बन गई है। पढ़ना एक क्रिया है और उठना भी एक क्रिया है। तो यहाँ अपन ने कहा कि मूल धातु में ना जोड़ने से हिंदी में क्रियापद बनता है। फिर देखिए कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे, क्रिया की परिभाषा। तो यहाँ परिभाषा दी है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या कार्य के होने का बोध होता है उसको अपन क्रिया कहते हैं। अब यहाँ क्रिया के कुछ भेद किए हैं, क्रिया के तीन भेद किए हैं। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर और तीसरा जो है वह काल के आधार पर भेद किए गए हैं। सबसे पहले आता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद किए हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है स, स का अर्थ यहाँ सीधा सीधा है कि सहित, ठीक है ना, किसके सहित, यानी कर्म के साथ में। सहित का मतलब है कर्म के साथ में, सकर्मक यानी कर्म के साथ में। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहा है? जिस क्रिया का फल जो है कर्ता को छोड़कर सीधा किस पे पड़े? कर्म पर पड़ता है, तब वहाँ सकर्मक क्रिया होती हैं।
जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही हैं। इसमें एक ये भी है कि जब अपन वाक्यों में प्रयोग करते हुए किसी से प्रश्न करते हैं और प्रश्न में उसका उत्तर मिलता है, तब वह सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं आपको कहूँ, नीचे मैंने लिखे हैं दो उदाहरण कि बच्चा चित्र बना रहा है, सीता गीता सितार बजा रही हैं, तब यहाँ किस प्रकार से यह सकर्मक क्रिया है, किस प्रकार से प्रश्न है। यहाँ पर मैं कहूँ कि बच्चा क्या बना रहा है, गीता क्या बजा रही है, तो दोनों का उत्तर मिलेगा, बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही हैं। अब जब इसका उत्तर मिल गया तब यहाँ सीधी सी बात है कि वह सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि चित्र कर्म है और सितार भी कर्म है, तब यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो, यानी एक क्रिया के साथ में एक ही कर्म जुड़ा हो, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, तो वहाँ पर क्या है, एक ही कार्य हो रहा है, पढ़ना, तो यहाँ पर एक कर्मक होगा, माँ के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है और वह है पढ़ना। द्विकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हुए हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अध्यापक? छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब देखो, इसमें है तो ये सकर्मक क्रिया, जैसे अपन ने कहा ना कि माँ पढ़ रही है, तो अब यहाँ अपन प्रश्न करें कि माँ क्या कर रही है, तो माँ पढ़ रही है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है, पढ़ना कर्म है। फिर जो है द्विकर्मक क्रिया में, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उत्तर मिलेगा, तो वहाँ सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक के में ये द्विकर्मक किस प्रकार से हैं? अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर किससे सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं, और यहाँ अध्यापक छात्रों को सिखा रहे हैं। एक तो अध्यापक कर्म कर रहा है और छात्र सीख रहे हैं, इसलिए छात्र भी साथ में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार दो कर्म एक साथ इसमें घटित हो रहा है। इसका दूसरा जो है कर्म के आधार पर क्रिया का रूप है, वह है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, क्या कहा है, वहां सकर्मक में कर्म पे पड़ रहा था, यहां ये कह रहे हैं जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जो है केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, वहां कर्म की संभावना नहीं रहती है। किसकी संभावना रहती है? कर्ता की रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, यहां किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सीधा कर्ता पे, कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पे नहीं, कर्म यहाँ सोना है। अब जहाँ सीधा सीधा प्रभाव या फल जो है कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया
होती हैं। तो इस प्रकार से यह हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। आशा सोती हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, रीना रोती हैं, इस प्रकार के उदाहरण। मुकेश हंस रहा है। अब देखिए संरचना के आधार पर इसके पांच भेद बताए गए हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर इसके पांच भेद हैं। अब पांच भेद इसके कौन कौन से हैं? यहां संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, ये इसके पांच भेद हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। अब हम इसके भेद को करेंगे। संरचना के आधार पर इसके पांच भेद किए हैं। अब देखिए वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर किए जाने वाले भेद जो हैं वह संरचना के आधार पर माने जाते हैं। और इसके पांच भेद हैं। क्या है संरचना? क्या है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो किया जा रहा है किस रूप में है और उसका आधार क्या है, इसी को अपन संरचना का आधार कहते हैं। इसका पहला रूप है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाले क्रियाओं का मेल हो जाए तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहा है? सीधी सी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं का मेल हो जाए तब वहां हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। क्या कहा है? अतिथि के आने पर स्वागत करो। तो यहां देखिए आना है वह मुख्य क्रिया है। आना जो है यह मुख्य क्रिया हो गया, स्वागत जो है वह इसकी सहायक क्रिया है। तो दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ हो गई, स्वागत करना और आना, तब यहां पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब देखिए यहां एक और है, मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्या है? इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लग जाता है और प्रत्यय लग करके क्रिया का निर्माण हो जाता है तब यह नाम धातु क्रिया बनती हैं। जैसे यहां उदाहरण भी लिया था, हाथ एक संज्ञा है और फिर हाथ को क्या किया? हथिया या प्रत्यय लगाया और फिर प्रत्यय लगते ही यह क्या बन गया? नाम धातु बन गया। फिर इसको क्या कहा? हथियाना, एक क्रिया बना दिया है। तो इस प्रकार से अपन क्या कहते हैं, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो यहां पर नाम धातु क्रिया है। फिर आता है नाम धातु के बाद में प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सॉरी, इसमें प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहेंगे? जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन
न कर किसी दूसरों के करने के लिए प्रेरित करे। स्वयं कार्य करता नहीं करता है, लेकिन दूसरों को वह प्रेरित करता है या दूसरों से करवाएं, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने लिया है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब सरपंच ने वह तालाब खोद के नहीं बनाया, ठीक है ना, स्वयं वहां कार्य नहीं किया है, लेकिन अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया है। तब यहां पर क्या हो गया, प्रेरणार्थ क्रिया हो जाती है। फिर आती है चौथी, पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी कार्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, दो क्रियाएं हो और उसमें से दोनों क्रियाएं एक साथ ना, एक क्रिया उसमें पहले प्रयुक्त की गई हो, संपन्न हो गई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया पहले होगी उसको अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसमें एक और है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को अपन पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। यानी मूल धातु है उसमें कर जोड़ देंगे तो वह सामान्य क्रिया से क्या बन जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। जैसे मैं कहूं बलवीर खेल रहा है या कहें कि बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो यहां पर देखिए बलवीर खेल कर पूर्व क्रिया क्या है, खेलना, और मूल धातु क्या है, खेल, उसके बाद में हमने क्या लगाया है, कर इसमें जोड़ा है, तो खेल को कर जोड़ करके हमने इसको पूर्वकालिक बना दिया। और खेल कर फिर क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा, तो यहां क्या हो गया है, पूर्वकालिक क्रिया बन गई है। फिर वह पढ़कर सो गया, सोया बाद में, पहले पढ़ा, तो पूर्वकालिक क्या हो गई, पढ़ना, और पढ़ के, पढ़ मूल धातु है और पढ़ के साथ में कर जोड़ा है, तब यह क्या हो गया है, पूर्वकालिक क्रिया बन गई है। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसमें, क्रिया शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। किसके योग से, कृत प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उनको अपन कृदंत कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ क्रिया है चल, चल के आगे अपने प्रत्यय जोड़ा, ना किया, और ये बन गया चलना, चलता, चलकर, तब ये चलना, चलता, चलकर ये कृदंत क्रिया बन जाती हैं। लिख क्रिया है और इसके आगे हमने ना ता कर प्रत्यय जोड़े, तो लिखना, लिखता, लिखकर, ये शब्द बन गए कृदंत क्रिया के। काल के आधार पर, काल के आधार पर हमने क्रिया के तीन भेद किए हैं, भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यतकालीन क्रिया। अब देखिए काल के आधार पर, इसका अर्थ यह है
कि किस काल में क्रिया संपन्न हुई, उसके अनुसार क्रिया के हमने तीन भेद कर दिए हैं। पहला है भूतकालीन क्रिया। भूतकालीन क्रिया क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वह भूतकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, वह विदेश चला गया, यानी यहाँ हमें किस बात का बोध हो रहा है कि वह कार्य हो गया है, वह विदेश चला गया, तो यहाँ भूतकाल की बात हो रही है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं उसने बहुत मधुर गीत गाया, उसने बहुत मधुर गीत गाया, यह भी क्रिया क्या है, भूतकाल की क्रिया है। गाया यानी यह समय बीत चुका है, तो इस प्रकार से हम भूतकालीन क्रिया का बोध कर सकते हैं। फिर है वर्तमानकालीन क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो, तो उसको अपन वर्तमानकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ दोनों ही कार्य जो हैं वर्तमान में चल रहे हैं, कि गीता जो है वह हॉकी खेल रही है और फिर विमल जो हैं पढ़ रहा है, तो वहाँ पुस्तक पढ़ने का कार्य उसके लिए जारी है। फिर भविष्यकालीन क्रिया। अब भविष्यकालीन क्रिया में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, कि अब ये कार्य होगा, हमें आने वाले समय का बोध कराता हो, तो उसको अपन भविष्यकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, अब छुट्टियां पड़ेगी उसके बाद में वो कश्मीर जाएगी, इसलिए वो भविष्य की बात हो रही है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा या भाग ले रहा है, तब यहाँ वर्तमान हो जाता, दिनेश ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया तो भूतकाल हो गया, और भाग लेगा तब भविष्य की बात हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस प्रकार से अविकारी शब्दों को पढ़ा, जिसमें क्रिया को विशेष रूप से लिया हमने, अवयव शब्द हैं। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।